हाय नमस्कार, मैं हूँ पंकज भदौरिया और आज एक मिठाई जो अक्सर आप घर पर बनाते ही है ना, उसके कुछ राज खोलने आई हूँ। तो हुआ यूं कि किसी ने मुझसे कहा, पंकज जी आपकी रेसिपी देखी और गुलाब जामुन तो बनाए, बहुत बढ़िया बने, कि आपने काला जामुन बनाना तो अभी तक नहीं सिखाया। तो हमने कहा लीजिए हाजिर है फिर काला जामुन की रेसिपी, वो भी 5 ऐसे टिप्स के साथ कि आपके बनाए हुए काले जामुन किसी भी हलवाई से बेटर बनेंगे। यह है पंकज की गारंटी। तो सबसे पहले तो आज आपको ये बताऊंगी कि काला जामुन बनाने के लिए हमें खोया कौन सा लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ दूसरी बात, खोया और पनीर का रेशियो क्या होना चाहिए। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी चाशनी कैसे बननी है। फिर खोए का मिक्सचर कैसे बनना है और इसके फ्राई करने का भी क्या तरीका है। तो भाई वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज जैसे मैंने आपसे कहा था, मेरे पास है आपके लिए 5 टिप्स टू मेक द परफेक्ट काला जामुन। शुरू करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला काम तो मैं यहां पर ये कर रही हूं कि मैं चाशनी के लिए पानी गर्म करने के लिए चढ़ा रही हूं। अब चाशनी का रेशियो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप यही नोट कर लीजिए, यह है आपकी टिप नंबर 1। तो चाशनी के लिए चीनी और पानी ना हम लेंगे 1:1 की रेशियो में, ना हम लेंगे 1:2 की रेशियो में, इसे लेंगे हम 3:4 के रेशियो में। यानी कि अगर 4 भाग ली है आपने चीनी, तो उसमें 3 भाग हम डालेंगे पानी। ठीक है, जैसे भी आपने देखा मैंने 3 कप लिया था पानी, और अब इस 3 कप पानी में मैं ऐड कर दे रही हूँ 4 कप चीनी। तो तकरीबन आप समझ लीजिए 1 किलो के आसपास की चीनी है ये, हाँ, और 750 ml पानी होगा। अब इस चाशनी को मैं एक तरफ यहाँ पर पकाने के लिए चढ़ा देती हूँ, और इस पानी में मैं ऐड कर दूंगी 3 से 4 छोटी इलायची भी, और इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें कुछ स्ट्रैंड्स केसर की भी। तो अब जब तक हमारी चाशनी यहां पकती है ना, अब आती है आपकी टिप नंबर 2, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि हमें खोया कौन सा सेलेक्ट करना है काला जामुन बनाने के लिए। अब देखिए मार्केट में 2 तरीके का खोया आता है, एक तो होता है ऐसा दानेदार खोया, और दूसरा होता है वो एकदम स्मूथ खोया, है ना। तो आपको चाहिए ऐसा दानेदार खोया, ताकि हमारा जो काला जामुन का टेक्सचर है वो दानेदार आए। जो स्मूथ वाला खोया होता है उसे हम इस्तेमाल करते हैं बर्फी बनाने के लिए और पेड़ा बनाने के लिए। तो 400 ग्राम हम लेंगे खोया, विच शुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 कप्स, और इसी के साथ साथ 125 ग्राम लेंगे हम ये पनीर। ठीक है, और काला जामुन में केवल खोया और पनीर ही नहीं पड़ता है, इसके साथ हमें मैदा भी ऐड करना होता है। तो मैदा कितना चाहिए हमको, मैदा लेंगे हम 75 ग्राम, जो होगा अप्रोक्सीमेटली 3/4 का, यानी जितना खोया है हमारे पास उसका आधा होगा ये पनीर और मैदा, 400 ग्राम, 125 ग्राम और 75 ग्राम, नोट कर लीजिएगा। और इसी रेशो से अगली बार आप अपने काला जाम बना करके देखिएगा। तब तक ये देखिए चाशनी जो हमने पकने के लिए चढ़ाई थी यहाँ पर, ये चाशनी भी उबाल पर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नींबू का रस या 1 चम्मच दूध, ताकि हम इसको क्लैरिफाई कर ले और ये एकदम साफ हो जाए। अब ये चाशनी भी हो गई है रेडी, देखिए कैसे ये एक धार से गिरती है, एंड देन इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग लाइक दिस। या फिर आप अपनी फिंगर में लीजिए थोड़ी सी चाशनी, और उसे इस तरह से ये देखिए ढाइए, ये एक तार बन रही है ना, इसमें एक तार की चाशनी तैयार। यानी कुल 7 से 8 मिनट के लिए आपको अपनी चाशनी को पकाना है, और चाशनी हो जाएगी रेडी। अब गैस को हम कर देते हैं बंद, और अब इसके बाद ऐड कर दूंगी इसमें मैं 1 छोटा चम्मच गुलाब जल टू गिव इट अ नाइस फ्लेवर। अब
बढ़ते हैं आगे। और अगला काम जो हमको करना है वो ये है कि पहले तो हम इस खोया को अच्छे से रब करके रख लेंगे। तो मेरे पास तो है एकदम फ्रेश खोया, इसीलिए एकदम आप देख रहे हैं इस तरह से दानेदार है। लेकिन अगर आपके पास एक दिन का पुराना खोया है या फिर आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था, है ना, तो आप उसको पहले थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दीजिएगा, या अगर घर में माइक्रोवेव हो तो 30 सेकंड्स के लिए उसको माइक्रोवेव कर लीजिएगा। अब हमें अपनी हथेली के साथ ऐसे इसके साथ हम इसको यूं मस लेंगे ऐसे, ताकि ये दानेदार भी बना रहेगा लेकिन हाँ सॉफ्ट हो जाएगा। तो आपके पाम की जो वार्म्थ है इससे ये थोड़ा थोड़ा पिघलने भी लग जाएगा, ये अपना फैट यानी कि घी भी छोड़ेगा और थोड़ा थोड़ा सा ये मिक्स भी होने लग जाएगा, सॉफ्ट होने लग जाएगा। तो कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए तो आपको इस खोए को नीट कर लेना है, अच्छे से मल लेना है ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब मेरे हाथ में खोए का घी आने लग गया है और अब आप नोटिस करेंगे कि इसका टेक्सचर जो पहले खोए के साथ हमने शुरुआत की थी उससे कितना डिफरेंट हो गया है। अब देखिए इसका टेक्सचर हो गया बिल्कुल मैश्ड पनीर के जैसे। तो पनीर को भी यानी अब हमको मैश कर लेना है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? नहीं किया तो भाई जल्दी से कर लीजिए, तभी तो देखिए ना आपके साथ इतनी बढ़िया बढ़िया डिशेस और उसी के साथ ढेर सारे टिप्स सब शेयर कर पाऊंगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक ये बेल आइकन नहीं दबाई है इसे भी दबाइए, तभी तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये जो पनीर है इसको भी एग्जैक्टली मैं वैसे ही अपने हथेलियों के साथ मल ले रही हूं जैसे कि मैंने खोए को मला था। ये देखिए ये भी एकदम सॉफ्ट हो गया है, मेरे हाथ पे पूरा घी आ चुका है पनीर का। दिस इज ऑल्सो डन। तो अब पनीर और खोया दोनों इकट्ठे ले लेते हैं और हाथ भी धो लेते हैं। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब हमको मिलाना है इसमें ये मैदा। और इसी के साथ साथ यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे जो ये कहती है कि इस मैदे के साथ केवल 2 टेबलस्पून अगर आप इसमें सूजी मिला देंगे ना, तो ना केवल ये सूजी आपके काले जामुन को देगी एक बढ़िया सा टेक्सचर और दानेदार टेक्सचर, बल्कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा पनीर का उसको भी अब्सॉर्ब कर लेगी। इसी के साथ ऐड करूंगी 1 चुटकी भर बेकिंग पाउडर भी। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप जो ये कहती है इसकी अब जब मिक्सिंग करेंगे ना उसे ज्यादा गूंधना नहीं है हमको, केवल हल्का सा मिला लेना है और बस एक इकट्ठे डो की तरह से बांध लेना है। ऐसा क्यों भाई? देखिए क्या होता है, ये जो मैदा हमने इसमें मिलाया ना इसमें होता है ग्लूटेन और ये थोड़ा सा पानी यहाँ से अब्सॉर्ब करेगा, और अगर आपने इसको ज्यादा गूंधा तो क्या होगा, मैदे में बन जाएगा ढेर सारा ग्लूटेन और इसकी वजह से आपके जो काले जामुन हैं वो बन जाएंगे हार्ड, बहुत हार्ड। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा हमेशा आपके लिए मेरे पास होते हैं कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स। अब ये हो गया हमारा मिक्सचर सारा रेडी, ना ये बहुत ज्यादा हार्ड है ना ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट। अब आप चाहें तो इसके ऐसे ही बॉल्स भी शेप कर सकते हैं, लेकिन शायद आपने कभी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे हलवाई क्या करते हैं कि चाहे वो गुलाब जामुन बना रहे हों या फिर वो काले जामुन बना रहे हों, वो उसके अंदर एक स्टफिंग भरते हैं, ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग। और इसी के साथ साथ वो अंदर से हॉलो भी होते हैं, तो वो हॉलो कैसे हो जाते हैं, अंदर उनमें खोखलापन कैसे आ जाता है जिसमें इतना सारा रस भरा होता है? तो आज उसी गुत्थी को भी सुलझाते हैं और आपको अपनी नेक्स्ट टिप बताते हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर सारे ये फाइनली चॉप्ड जो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं ना मैं उनको इकट्ठा कर ले रही हूँ। तो थोड़ा चॉप किया हुआ बादाम है, थोड़ी सी चिरौंजी है, थोड़ा चॉप किया हुआ काजू भी है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं ये थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, और दिस इज इंटायरली ऑप्शनल, अगर आप फूड कलर डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो कोई कंपल्सरी नहीं है।
अब इसमें ऐड करूंगी मैं 2 चम्मच चीनी। जब आपके गुलाब जामुन पकेंगे तब ये चीनी भी गर्म हो जाएगी, और जब चीनी गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, सोचिए सोचिए, चीनी पिघलेगी। और चीनी पिघलेगी तो क्या होगा, वो देगी हमारे गुलाब जामुन या फिर हमारे काले जामुन को वो अंदर हॉलो कैविटी, जिसमें भरा होगा रस। लेकिन इन सब चीजों को बाइंड करने के लिए ना हमें ये थोड़े से खोए के मिक्सचर की जरूरत भी पड़ेगी, इसीलिए तकरीबन 1 टेबलस्पून में खोए का मिक्सचर इसमें मिला दूंगी। अब शेप करते हैं अपने काले जाम। अब इस डो को आप पहले हाफ में डिवाइड कर लीजिए और फिर इसे हम रोल आउट कर लेंगे और इक्वल साइज के पीसेस इसके कट करके निकाल लेंगे। अब जिस भी साइज के आपको काला जामुन बनाने हो ना, उसके आधे साइज के आप ये 2 बॉल्स बनाइए, क्योंकि अभी ये फ्राइंग करते वक्त भी फूलेंगे और उसके बाद जब आप इसे सिरप में ऐड करेंगे तब भी फूलेंगे। तो मैंने जितनी क्वांटिटी ली थी ना यहाँ पर, इसमें मैं बना रही हूँ 24 काला जामुन। अब बाकी के खोए को भी इसी तरह से हम पीसेस में कट कर लेते हैं। अब इससे पहले कि हम अपने गुलाब जामुन को शेप करना शुरू करें ना, यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ाते हैं और इसमें तेल गरम करने रख देते हैं। कढ़ाई में होना चाहिए कम से कम 3 इंच ऑयल, ताकि जब आप इसमें अपने काले जामुन को फ्राई करने के लिए डालें तो वो नीचे टच ना करें। बेस और काले जामुन के बीच में होना चाहिए अच्छा खासा तेल। अब धीमी आंच पे मैंने यहाँ पर तेल गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, तेज आंच पे नहीं, धीमी आंच पे। और अब शेप कर लेते हैं हम अपने काले जामुन। पहले तो इनकी एकदम स्मूथ क्रैक फ्री बॉल्स बना लीजिए, इसके ऊपर कहीं कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके हाथों से ये जो काले जाम या गुलाब जामुन है गोल नहीं बनते हैं, हथेलियों का इनमें आ जाता है इंडेंट, तो इस्तेमाल कीजिए एक स्टील की कटोरी का। अब स्टील की कटोरी में इसे ऐसे रखिए और बस ऐसे घुमाइए और देखिए आपके गुलाब जामुन हो, चाहे बेसन के लड्डू हो, चाहे काले जामुन हो, वो एकदम गोल बन जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से हो गया ना ये काम। तो फिर बाकी काले जामुन भी इसी तरह से शेप करके रख लिए जाएं। लीजिए भाई, हो गए हमारे सारे के सारे 24 काला जाम भी शेप। अब ये जो धीमी धीमी आंच पर घी यहाँ पर गर्म हो रहा था, इसको टेस्ट कर लिया जाए। और उसके लिए ना मैंने थोड़ा सा ये खोया जो है ये बचा करके रख लिया है। अब इसकी एक छोटी सी बॉल बनाऊंगी और उसमें इसको ऐड करके देखूंगी। इट शुड कम अप टू द सरफेस इमीडिएटली। देखिए इमीडिएटली ऊपर नहीं आया ना, मतलब थोड़ा सा मुझे ये जो तेल है इसको गर्म करना पड़ेगा। बस जस्ट फॉर अ मिनट आई एम गोइंग टू रेज द हीट, थोड़ा सा इसे गर्म कर लूंगी। बहुत गर्म तेल में कभी भी हम अपने काले जामुन या गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए नहीं डालेंगे, नहीं तो वो बाहर से तो एकदम से हार्ड हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे, लेकिन अंदर कच्चे रह जाएंगे, और अंदर तक मैदे का पकना जरूरी है। तो बस 1 मिनट रुकते हैं और फिर दूसरा खोया का बॉल डाल के इसमें फिर चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखिए, अब ये बहुत जल्दी से ऊपर आ गया, ऊपर सिजल करने लग गया है। अब ये तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें अपने काले जामुन फ्राई करने के लिए ऐड कर दूंगी, लेकिन सारे इकट्ठे नहीं, बैचेस में, नहीं तो ओवर क्राउडिंग की वजह से ना हमारे तेल का जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा कम और मेरे गुलाब जामुन या काले जामुन अच्छे से कुक होने की जगह फटने लग जाएंगे। यानी काले जामुन डालते वक्त तेल होना चाहिए गर्म, उसके बाद उसकी हीट को हम रिड्यूस कर देंगे। अब देखिए गैस को कर दिया मैंने धीमा और अब इन्हें कुक कर लेंगे। यहीं आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, और वो ये कि इसमें 2 बॉल्स को डालने के बाद आप इमीडिएटली अपने चम्मच से नहीं छुएंगे, हल्का सा पहले उसमें थोड़ा कलर आ जाने देंगे, उसके बाद आप बैक ऑफ द स्पून के साथ इसको धीरे धीरे पुश करेंगे ताकि वो गोल घूमना शुरू कर दे। अब धीमी धीमी आंच पर हम इसे तलने देंगे और हल्का हल्का तेल को स्वर्ल करते रहेंगे ताकि इसकी जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट होती रहे।
और इसे हम तब तक तल लेंगे जब तक ये अच्छे से डार्क कलर का नहीं हो जाता। अब देखिए एक बढ़िया सा कलर आ चुका है ना। नाउ आई विल रिमूव दिस काला जाम फ्रॉम द ऑयल। और यही नोट कर लीजिए आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और वो ये कि कभी भी ये गर्मा गर्म काले जामुन को ना हम चाशनी में नहीं ऐड करेंगे। इनफैक्ट बहुत लोग करते हैं ना कि कढ़ाई से निकाला और सीधे चाशनी में ऐड कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसे कम से कम 1 मिनट के लिए आप बाहर रेस्ट करने देंगे, ताकि इसके ऊपर ये जितना ऑयल बबल कर रहा है ना, ये थोड़ा सा रेस्ट कर जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक बार फिर से गैस को मैं कर दूंगी तेज, फिर से हीट पे आ जाने दूंगी अपने ऑयल को, और तब ऐड करूंगी उसमें बाकी के काला जामुन। अब बारी आती है इन काले जामुन को चाशनी में ऐड करने की। लेकिन यहां भी ध्यान रखिएगा, एक सिंपल सा रूल हम फॉलो करते हैं, एक चीज गरम तो एक चीज गरम नहीं, लेकिन हाँ ठंडी भी नहीं। इसे हमें रखना होगा ल्यूक वार्म, यानी कि गुनगुना। काले जामुन को चाशनी के साथ हम सिमर कर लेंगे 7 से 8 मिनट के लिए, या तब तक जब तक ये फूल नहीं जाते। अब वंस अगेन इनको केवल 1 मिनट के लिए पहले मैं रेस्ट करने दूंगी, और उसके बाद गुनगुनी चाशनी में ऐड कर दूंगी। 10 मिनट के बाद चाशनी को मैं फिर से गर्म करूंगी जब तक कि वो बॉइलिंग पे नहीं आ जाती, और फिर 5 से 6 मिनट के लिए इसको सिमर करके गैस को कर दूंगी बंद, फूल जाने दूंगी जब तक कि वो साइज में डबल नहीं हो जाते। अच्छा, मैंने क्या किया है, अपनी चाशनी को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है, ताकि गुलाब जामुन को फैलने की और फूलने की अच्छे से जगह मिल जाए। 7 से 8 मिनट के बाद गैस को कर दिया है मैंने बंद, और अब इसे ढक के मैं रख दूंगी कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि ये काले जामुन सारी सिरप को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। अब आधे घंटे के बाद ये काला जाम को मैं ड्रेन आउट कर लूंगी और एक प्लेट पे निकाल लूंगी, ताकि इसमें थोड़ी सी हवा लग जाए और इसकी जो चाशनी है ना, चाशनी इसके ऊपर जम के इसकी एक कोटिंग बना ले। ऐसा करने से क्या होगा, इसका जो आउटर क्रस्ट है वो भी थोड़ा सा और फर्म हो जाएगा, क्योंकि चीनी जम जाती है ना इसलिए। और फिर वो जो बाजार से आप काला जाम लेके आते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा टेक्सचर आ जाएगा इसका। अब इसमें से एक आपको कट करके दिखाती हूँ कि कैसे इसके अंदर एक बढ़िया सा रस आ चुका है। अब इसके अंदर का टेक्सचर देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया दानेदार टेक्सचर आया है इसका, बिल्कुल हलवाई जैसा है कि नहीं। हाँ, आप चाहें तो ऐसी छोटी छोटी पेपर कप्स में भी लगा के रख सकते हैं इसको, जैसे बिल्कुल हलवाई लगाता है, एग्जैक्टली वैसे। आप इन्हें घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि हलवाई वाले ये काले जामुन ज्यादा बेटर बने कि आपके घर वाले।